भगवान से गोपियों ने इतना प्रेम किया कि उनके बाद उनके सिवा कुछ नहीं चाहा। हे गोविंद, उद्धव जी आए, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। अच्छा मैया, ये बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम कहते किसे हैं? भैया आप तो करते हो ना अपनी पत्नी से प्रेम, तो बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है। अच्छा है, नहीं आप लोग हंस क्यों रहे, आप लोग नहीं करते पत्नी से प्रेम, क्या पड़ोसन से करते हो? भाई व्यवहार में तो रखना ही पड़ेगा ना, ये व्यवहार में तो कहना ही पड़ेगा आई लव यू, नहीं कहोगे तो भी तो नहीं काम बनेगा, तो व्यवहार में कहते रहना। हमने वही तो सिखाया भी आपको, व्यवहार में वो उन्होंने क्या बोला, प्यार कर। अब उनकी पत्नी देखो घर में, आरती ना उतार इनकी तो कह देना, नंबर बढ़ गए इनके कि आपने तो सबके बीच में कह दिया प्यार करते हो। ये व्यवहार बहुत बढ़िया, ये व्यवहार कुशल आदमी है। प्यार करते हैं नहीं करते वो तो भगवान जाने, पर व्यवहार में तो कह रहे हैं। इससे इन्होंने अपनी पत्नी का दिल और नंबर बढ़ गए पत्नी के हृदय में इनके लिए। आप लोग भी कहा करो अपनी पत्नियों के लिए, हाँ है ना। तो बताओ प्रेम व्यवहार करना है पत्नी से, लेकिन व्यवहार भी अब देखो कुछ परसेंट भगवान से आप 100% प्रेम करते हैं, एक काम करो आप 98% प्रेम भगवान से करना, 99% 2% में ना पत्नी पति बेटा बेटी जो व्यवहार है उसको जरा प्रेममय बना के परोसते रहना, हिसाब गृहस्थी ठीक चल जाएगी। 2% बहुत गुजारा हो जाएगा आप लोगों का, घबराना इतने में हो जाएगा। भगवान से 98%, संसार से 2 बहुत। चलो ये बताओ प्रेम करते हो आप सब लोग, तो जरा प्रेम को परिभाषित करो, प्रेम की परिभाषा क्या है। हाँ मैया, ये मेरी मैया अच्छा बता रही है, लाल मैया बोलो, मेरी माँ प्रेम करती हो आप किससे? दादाजी से। चलो बताओ प्रेम किसे कहते हैं, चलो जल्दी सब बताओ प्रेम की परिभाषा क्या, किसे कहते हैं प्रेम बोलो। समर्पण, समर्पण को प्रेम कहते हैं, ठीक है आपकी भाषा आपके हिसाब से परिभाषा ठीक है, आप लोग बताओ प्रेम की क्या परिभाषा है। फास्ट भैया आप बताओ प्रेम को परिभाषित करो, आप तो करते हो ना प्रेम संसार के लोग अभी, चलो आज ना अक्कलाई के व्यवहार करना है, कल तक तो प्रेम ही करते रहे, तो बताओ प्रेम को परिभाषित करो मैया, बताओ चश्मा वाली मैया। फास्ट प्रेम किसे कहते हैं, करते हैं महाराज पता नहीं है, चलो हम बता दें, आज प्रेम की परिभाषा सीखोगे आप और भूल मत जाना, कभी मिलोगे तो पूछेंगे फिर से। बता दें मेरी माँ सुन, प्रेम किसे कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं और गोपियों को छोड़कर भगवान वृंदावन से मथुरा चले गए और मथुरा से वृंदावन 10 किलोमीटर दूर है, सवेरे गोपियां जाती तो शाम तक कन्हैया से मिलजुल करके वापस आ जाती, तो जब प्रेम था तो मिलने क्यों नहीं गोपियां, मिलने क्यों नहीं गई गोपियां, उत्तर दो बोलो मेरी माँ, रास्ता नहीं देखा था, लो
आज मिली आप, रास्ता नहीं देखा था गोपियों ने, लो गोपियों ने, गोपियां चाहती तो मथुरा। अरे भाई मथुरा, जैसे आप लोग, आपके जो गांव वाले हैं ना यहाँ 10-5 किलोमीटर दूर वाले, वो सारे लोग बाजार करने आपके यहाँ आते हैं, बाजार करने यहाँ। ऐसे ही वृंदावन की बड़ी बाजार मथुरा थी उस जमाने में, सारे लोग दिन में 4 बार मथुरा जाया करते थे। गाड़ियां थी, छकड़े बैलगाड़ियां, जाते थे आ जाते थे, रास्ता सुनिश्चित था, सब था, सब कुछ था। पर गोपियां क्यों नहीं गई? इसलिए नहीं गई क्योंकि गोपियां प्रेम करती हैं। और प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा है तत्सुख सुखित्वम, ये हो गई परिभाषा। इसका अर्थ ये हुआ कि अपने प्रियतम के प्रसन्नता में, अपनी प्रियतमा की प्रसन्नता में, हम जिससे प्यार करते हैं उसकी प्रसन्नता में ही, उसकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है, ये प्रेम की परिभाषा। गोपियां इसलिए नहीं गईं कि कन्हैया मथुरा में यदि हमारे बिना खुश है तो उसके खुशी में हम जाकर के बाधा नहीं बनना चाहती। यदि वो हमारे बिना खुश है तो कहा जा कन्हैया तू खुश रहे, हम रोती रहेंगी चलेगा, पर हम तुझे रुलाना नहीं चाहते, हम तुझे मिलना नहीं चाहती, तू हमारे बिना खुश है, खुश रहे। ये प्रेम है। प्यार में त्याग होता है, प्रेम में क्या होता है? त्याग होता है, त्याग को प्रेम कहते हैं। गोपियों का त्याग देखिए कि यदि आप खुश हैं हमारे बिना, खुश रहिए जाइए। आप मथुरा की गोपियों के साथ खुश हैं कोई बात नहीं, हम जाकर तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती। कहीं हम गए और तुम उनके संग प्रसन्न हो तो हमें देखकर तुम सकुचा जाओगे, और हम जिससे प्रेम करती हैं हम उसका सिर नीचे झुका हुआ नहीं देखना चाहती, जाओ खुश रहो तुम, ये प्रेम है। अच्छा एक बात बताओ, सामने वाले की खुशी को ही प्रेम कहा जाता है?